उससे बात कर लेता हूँ कि तू भी उनके साथ है जहाँ नीति और नियत है, जहाँ नीति और नियत है तो तू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट था शुगर का तू कैंसर ठीक कर देता है क्योंकि तेरा कमाल। तो दोस्तों मैं चाहूंगा प्लीज आइए, कुछ लोग जिन्हें लगता था कि जिंदगी नरक बन चुकी है उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इन लोगों की सत्कार होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, हमारे फाइटर्स को प्यार मिलना चाहिए, हमारे फाइटर्स को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे फाइटर्स को पहचान मिलनी चाहिए या नहीं, फैसला बाद में करेंगे। एक बार सुनते हैं। हाँ बेटा, अपने बारे में बताएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हरियाणा गांव सैदपुर से आई हूँ, अटेली। मेरा नाम सुशील है। मेरे को 31 अक्टूबर 2013 को एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उस एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई तो डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मैंने सभी दिल्ली हॉस्पिटल में सभी में चेक करवाई थी अपनी MRI, तब सभी डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप भाई बिल्कुल नहीं चल सकती। घर वालों को भी बिल्कुल बता दिया कि भैया आप इनको घर लेके जाओ, इनको पढ़ाओ और इनकी सेवा करो। फिर कुलदीप सर आए हमारे पास। कहाँ पे है सर? कुलदीप मुदगिल सर आए, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप ये प्रोडक्ट लेके देख लो, कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे बता देना। तो मैंने तीन महीने देना पड़ेगा आपको। 2.5 महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया, मेरे पैरों में मेरे को अजीब सा एहसास होने लग गया और अब मेरे को 6 महीने हो गए, बिल्कुल पैरों में कुछ भी फर्क नहीं था, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया कुछ भी। अब बिल्कुल मेरे पैरों में दर्द होता है और अब बोला है कि आप 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करो, अगली बार मैं आपसे मिलूं तो आपसे खड़ी होकर मिलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और दोस्तों SLPS कंपनी ये हमारे लिए छोटी बहन जैसी है। जब ये पहली बार मिली थी उसी दिन वादा किया था इसके परिवार से कि जिंदगी में 2 टन दवाई चाहिए तो SLPS देगी मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लेते हैं। सामने यहां से चलते हम लोग, ये हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं डायलॉग मारता हूं। दिमाग में हम आते नहीं, आते तो सीधे दिल में आते। दिमाग वालों के साथ अपन धंधा नहीं करते भाई, जो दिमाग लगाते हैं स्मार्ट है ना भैया, हम सीधे साधे लोग हैं, सीधा साधा काम करना आता है। ये है और बस ये है। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ सर प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश मीणा है और मैं कोटा संजय नगर का रहने वाला हूँ। तो मेरे को फेफड़े और ये लीवर दोनों खराब बोलते थे डॉक्टर। ये आपके सामने एक्सरे कटवाया है मैंने, जो सर आपको बताएंगे एक्सरे। एक तरफ का लेंस इसमें बिल्कुल नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला भैया तू बिल्कुल ठीक नहीं होगा और तू दवाई लेता रहेगा, जब भी चलता रहेगा, अन्यथा तू चल नहीं सकता। मेरे को अभी 45 दिन हुए दवाई लेते हुए, तो मेरे को लीवर ठीक है और सांस भी नहीं बढ़ती है, नहीं तो पहले मेरे बहुत ज्यादा सांस बढ़ती थी। थैंक यू। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है भारत में ताकत, है हमारे पास पावर, बस हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपनी पावर को पहचान नहीं पाते। नीति चाहिए, नियत चाहिए, चमत्कार पे चमत्कार हिंदुस्तान में हो सकते हैं। नेक्स्ट। कोई क्रिटिकल? नमस्कार, मेरा नाम डीवी धोत्रे है, मैं मुंबई से आया हूं और मैं 2 महीने पहले इस कंपनी के दवाई को शुरू किया, जो मुझे हाई डायबिटीज थी। डायबिटीज इतनी थी कि मेरे आंखों पर उसका असर हुआ था और मुझे दिखाई में कम दिख रहा था। और दूसरा उसका असर ये था कि मैं चलते फिरते, जब मैं चलता था तो मुझे थकान महसूस होती थी,
और कुछ पलों के बाद में रुक रुक के मैं चलता था। जब से मैंने ये दवाई शुरू की, जो मेरे दोस्त ने मुझे दवाई लेने के लिए बोल दिया, मैंने तुरंत ये दवाई ली और ये दवाई मुझे 3 दिन में मेरे आंख के ऊपर असर करने लग गया। मेरी जो देखने की दृष्टि थी वो थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी और मुझे जो डॉक्टर ने आंख के लिए ऑपरेशन किया था वो मैं अभी आपका ऑपरेशन कैंसिल करने जा रहा हूँ। और थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब ये बहन जी की उम्र नहीं है, पैसे के सपने देखती होंगी, इन्हें कोई छोड़ना तोड़ना ये सब करने में मजा आएगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग में मजा आएगा। मुझे लगता है सिर्फ इन्हें अपने शरीर से प्यार है, ये खुद को ठीक करना चाहती है। यह सब लोग तो आप मैडम से सुन सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं जानता भी आ जाऊंगा आपको। मैं अहमदाबाद से रह जाती हूँ, मेरा नाम जागृति व्यास है। मैं इस कंपनी में क्या जोड़ना नहीं चाहती थी, मेरे पग में वो बिल्कुल तकलीफ थी, मैं खटले में थी, उठ नहीं पाती थी और मैंने डायमोडोग लिया, अरे ओबियोडोग लिया। ओबियोडोग लेने से मेरा पाँव ठीक हो गया और मेरे पाँव में भी तकलीफ हुई थी, वो बहुत है थी, वो मेरे को डायबिटीज भी है, मैं डायबिटीज भी दवा लेती हूँ, वो भी मुझको अच्छा लगता है, और डायबोडॉक भी लेती हूँ मेरा शरीर वेट करने के लिए, उसको अजीब में दवा लेने के लिए लॉट भी नहीं हुआ है, मेरा वजन भी 5 किलो कम हुआ है। संजीव सर नहीं होते, एसलिपेस नहीं होती, तो अजीत सैनी फादर नहीं होते और कहीं ना कहीं मैंने सुसाइड कर ली होती। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद,
जोगिंदर सर आई लव यू सर जी, आई लव यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। भाई हम ये दे सकते हैं, ये सब हम दे सकते हैं, लालच नहीं दे सकते, धोखा नहीं दे सकते, फरेब नहीं कर सकते, पर ये सब जरूर दे सकते हैं। और कोई भाई, एक दो ज्यादा नहीं, बस एक दो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर वैभव पारवेकर, मैं MBBS डॉक्टर हूँ और मैं गवर्नमेंट प्रैक्टिस करता हूँ, 3 साल हो गए। और ये मेरे पिताजी है जिनको 8 महीने पहले की बात है कि उनको साइटिका हुआ था। साइटिका यानी नव कॉम्प्रेस होती है, जो अपनी नस रहती है वो कॉम्प्रेस होती है L4, L5, S1 इस एरिया में, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। यानी इवन 7-8 दिन तक मेरे पिताजी बेड पर सोए रहते, तो मैंने बहुत जगह दिखाया उनको, बहुत डॉक्टर के पास गए, इवन जो ऑर्थोपेडिक्स के जो HOD होते हैं, ऐसे 4 HOD को मिला। उन्होंने मुझे बोला था कि ऑपरेशन के सिवाय कुछ चारा नहीं है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो इवन मैं रेडी हो गया था ऑपरेशन के लिए, पैसे मैंने जमाए थे, बाद में मैंने कहाँ पे ऑपरेशन करना है वो डिसाइड किया था, किन के हाथों से करना है वो डिसाइड किया था, सब कुछ डिसाइड हो गया था। तब तक मेरे हमारे घर के पास एक पूनम मैडम रहती है, जिन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो लिटरली रियलिटी बताता हूँ कि 1 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो गए और चलने चल गई, और आज आपके सामने है और बिंदास चल रहे हो। तो लिटरली एक तो थैंक्स टू ऑल दी मेम्बर्स ऑफ ऑस्कुलस कंपनी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सर। और मैं एक एलोपैथी डॉक्टर होने के मेरा विश्वास नहीं था इसके पहले, लेकिन जब मेरे पिताजी को रिलीफ मिला तो बहुत ही मुझे विश्वास होने लगा। और मैं एक एलोपैथी डॉक्टर होने के नाते से मैं आपको कहूंगा कि एक आयुर्वेदिक जो दवा है ये यूज कीजिए, सच में यूज कीजिए, यही मैं बोलूंगा। थैंक्स टू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सच। दोस्तों डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, आज आपने हमारा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया, हमें और कॉन्फिडेंस दिया काम करने का और क्षमता दी। अरे जब एलोपैथी MBBS डॉक्टर के पिताजी को आयुर्वेद ठीक कर दे, SLPS ठीक कर दे, तो फ्यूचर क्या होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं हमेशा, दिन में रात में दुआओं में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नहीं आप ही बताओ ना। अरे बोलो ना, ऐसे नहीं, खुद ही बोलो, बोलो बोलो सब भाई बहन, बोलो बोलो, शाबाश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम चाटगे